हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड लॉ ऑफ केपलर। इसको बोलते हैं थर्ड लॉ को, लॉ ऑफ पीरियड्स। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड मतलब टी स्क्वायर ऑफ अ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस दैट मीन्स, फिर से एक बार यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम, इलेप्टिकल ऑर्बिट का ऐसे डायग्राम था, ये सेमी मेजर एक्सिस है, उसको हम 2a बोलते थे और यहाँ पे हम 2b साइन देते थे, ठीक है। So it is proportional to the time period is proportional to the cube of the semi-major axis of the ellipse tracked out by the planet. Here, so t square is proportional to t cube. ये relation याद रखना, JEE और NEET की exam में भी इस relation के base पे MCQ आ सकते हैं। नाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन ने सबसे फर्स्ट क्या इन्वेंशन किया था जिससे उसको पता चला कि मुझे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ की ओर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो न्यूटन्स रीजनिंग वॉज दैट मून रिवॉल्विंग इन ए आर ऑर्बिट of radius Rm was subject to a centripetal acceleration due to earth gravity of magnitude. That means, यहां पे मान लो कि अर्थ है और ये मून की ऑर्बिट है, क्योंकि मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ये मून है, ऐसे रिवॉल्व होता है, तो यहां पे भी उसकी ऑर्बिटल रेडियस होगी मून की आर एम जितनी। तो न्यूटन रीजनिंग वॉज दैट मून रिवॉल्विंग इन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एम, रेडियस कितनी है आर एम जितनी, वो सब्जेक्ट टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे जो भी फोर्स लगता है कौन सा होता है, टॉवर्ड दी सेंटर होता है, तो इसको हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं। ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी ऑफ मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था एसी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे हमने मून लिया है, दैट मीन्स ए एम इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर एम, क्लियर। चलो यहाँ पे हमें वी की वैल्यू हम फाइंड कर, तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अभी पूरा यहाँ पे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, दैट मीन्स उसका सरकमफेरेंस होगा, दैट मीन्स 2πrm और डिवाइड बाय टाइम पीरियड हो गया। चलो v की जगह पे वैल्यू रखो, उसका स्क्वायर करो, तो 2π का स्क्वायर होगा 4π स्क्वायर, यहाँ पे rm, ठीक है, तो rm का भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, rm का भी होल स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। चलो इसमें वैल्यू पुट करते, तो t इज इक्वल टू 27.3 डेज, मतलब मून को यहां से एक कंप्लीट साइकिल, अर्थ के अराउंड एक कंप्लीट साइकिल करने के लिए कितने दिन लगते हैं, 27.3। आया समझ में, दैट मीन्स एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है अर्थ के अराउंड, तो उसका नंबर है 27.3। और जो रेडियस ऑफ मून है 3.84 × 10⁸। चलो ये दोनों वैल्यू जब इसमें पुट करते हैं, बाकी तो देखो 4π स्क्वायर की वैल्यू है ऑलरेडी हमारे पास, तो इसमें से ए नोट डाउन हुआ कि जो मून का एक्सेलरेशन है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल से बहुत ही स्मॉल है। मून का जो एक्सेलरेशन है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल से बहुत ही स्मॉल है, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ डिक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किससे प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो डिक्रीज होता है,
सो एक रिलेशन मिला हमें यहाँ पे, जो ए एम है वो प्रोपोर्शनल टू है आर एम रेस टू माइनस टू। तो ए एम मतलब मून का जो एक्सेलरेशन था, और यहाँ पे जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ का होता है, तो जी के अकॉर्डिंग आर ही लिख सकते हैं, ए एम के अकॉर्डिंग आर आर एम लिख सकते हैं, दोनों का रेशियो लिया जी डिवाइड बाय एम, तो आर एम स्क्वायर डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर, जिसमें आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ याद रखो बेटा 6371 अप्रोक्सीमेट हम कितना लेते हैं 6400 किलोमीटर भी लेते हैं, 6371 दैट मीन 6400 किलोमीटर, ठीक है। आर ई की वैल्यू रखी, आर एम की वैल्यू आपके पास ऊपर है, ये दोनों का हमने रेशियो लिया, दोनों का कंक्लूजन किया, तो आंसर आपको मिला 3600। तो इस लॉजिक से हमें ये पता चला कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किससे प्रोपोर्शनल, किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसकी डिस्टेंस से, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स का ये, सपोज टू पॉइंट मासेस, एम वन एंड एम टू, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज एफ, देन व्हाट वी कैन राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड दिस लॉ वी ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर नंबर फर्स्ट। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू पॉइंट मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ we are taking here a magnitude of this force, so we can write by eliminating a proportional sign here, g is a proportionality constant, universal gravitational constant, ya to gravitational constant bhi aap likh sakte, ठीक है, 6.67 × 10⁻¹¹ इसकी वैल्यू है, जी की वैल्यू। एफ का क्या होता है न्यूटन, चलो ये आर स्क्वायर सामने मल्टीप्लाई हो गया मतलब मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय एम वन और एम टू, वो भी नीचे जाएगा, दैट मीन्स किलोग्राम इनटू किलोग्राम, दैट मीन्स किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर, जी का यूनिट हुआ, आया समझ में। तो ए हो गया अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी उसका वेक्टर फॉर्म लेते, चलो वेक्टोरियली कैसे इस फोर्स को हम डिनोट कर सकते हैं। यहां पे अपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन हो गया, दो पॉइंट मास लेते हैं यहां पे एम वन और एम टू, चलो M1 जो है यहां पे हो गया उसका पोजीशन वेक्टर R1, M2 जो है उसका पोजीशन वेक्टर है R2, क्लियर, और ये दोनों के बीच का क्या है डिस्टेंस है, ठीक है, डेल्टा R, डेल्टा R क्या मिलेगा आपको R2 माइनस R1 के फॉर्म, आया समझ में। तो जब आपको वेक्टोरियली लिखना हो तो f इज इक्वल टू जी एम वन एम टू और डिवाइड बाय r स्क्वायर, और उसके साथ यहाँ पे r वेक्टर कैप भी लिखो, यूनिट वेक्टर जो क्या करता है इस फोर्स की डायरेक्शन शो करता है, आया समझ में। तो यहाँ पे आप वेक्टर, यूनिट वेक्टर लिखोगे दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन भी शो हो जाएगी, ये वेक्टोरियली हमने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक इसके साथ ही एक क्वेश्चन साथ में देख लेते हैं कि अगर
समेशन होता है ऐसे फोर्स का, ठीक है, तो क्या होता है कि टोटल फोर्स अगर हमें लेना हो और वेक्टर सम करना हो, वेक्टर सम ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पे देखो पॉइंट मास m1 है, यहां पे दूसरा एक पॉइंट मास और यहां पे ये सारे पॉइंट मास है, ठीक है। चलो m1 सबसे फर्स्ट लेते हैं, आपको m2, m3 और m4, यहां पे m1 है, m2 है, m3 है और m4 है। हमें वेक्टर सम करना है सारे फोर्स को, कहाँ पे अप्लाई करना है, वन नंबर पे, मतलब इस पॉइंट के मास का भी फोर्स यहाँ पे और नंबर जो फोर है ये पॉइंट मास का भी जो फोर्स है वो एम वन पे ही हमें अप्लाई करवाना है। तो पहले याद रखो यहाँ पे फोर्स कैसे अप्लाई होगा, तो फोर्स बाय टू ऑन वन, फोर्स बाई पॉइंट मास टू ऑन वन, एफ वन टू लिखेंगे। और साथ में याद रखो उसका जो पोजिशन वैक्टर होता है उसको आर वन टू लिखते, अगर उसको रिवर्स लिखना हो तो माइनस कर दो आर टू वन। सेम यहां पे कैसे लिखेंगे बताओ, तो हमें तो वन नंबर पे ही फोर्स अप्लाई करवाना है, कौन कर रहा है, नंबर फोर कर रहा है, किस पे, नंबर वन पे, तो फोर्स by 4 on 1 मतलब F1 4। चलो यहां पे उसका पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा, R1 4, माइनस में लिखना हो तो माइनस 4 1 हो जाएगा, क्लियर। सेम यहां पे फोर्स by 3 on 1, F1 3 हो गया। चलो यहां पे अभी पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, R1 3 लिखेंगे और यहां पे माइनस ऐसे लिखेंगे माइनस आर थ्री, क्लियर आया समझ में। तो ऐसे नंबर ऑफ जो फोर्स है उसका आप समेशन कर सकते हो। तो टोटल फोर्स, तो यहां पे अगर टोटल फोर्स हमें लेना है उस फोर्स को नाम देते हैं एफ वन, नंबर फर्स्ट पे, तो टोटल फोर्स एफ वन इज अ समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस विच इज एफ वन टू, एफ वन थ्री एंड एफ वन फोर, आया समझ में, F12, F14 and F13। चलो तो फॉर्मूला अभी लिखते हैं, यहाँ पे G होगा, दो पॉइंट मास कौन कौन से हो गए, M1 and M2, नीचे हो जाएगा R12 का स्क्वायर और यहाँ पे R12 क्या लिखेंगे, कैप यूनिट वेक्टर। सेम यहाँ पे G 1 और 3 है तो 1 और 3 नंबर, यहाँ पे लिखेंगे 1 3 का होल स्क्वायर और R 1 3 कैप लिखेंगे। थर्ड में क्या लिखेंगे, G M 1 और M 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 4 का होल स्क्वायर और 1 4 और क्या लिखेंगे यहाँ पे कैप। चलो सब में से क्या कॉमन निकल जाएगा, तो टोटल हमें F 1 फोर्स मिल रहा है जिसमें से G तो कॉमन, M 1 भी कॉमन, देखो M 1 सब में कॉमन है, अभी यहाँ पे कौन सा रिमेनिंग पार्ट रह गया, M2 R12 स्क्वायर R12 कैप, यहाँ पे M3 और यहाँ पे R13 स्क्वायर R13 कैप और यहाँ पे M4 वैसे ही सेम R14 स्क्वायर और R14 कैप, ये हो गया वेक्टर सम, वेक्टर सम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मेन जो आपको फॉर्मूला है वो ये याद रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मेन फॉर्मूला है वो ये, उसके अकॉर्डिंगली ये दोनों थियोरी आप लिख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।